रुद्रप्रयाग हादसे में बढ़ा मरने वालों का आंकड़ा, अब तक 14 लोगों की गई जान, 12 लोग घायल, इलाज जारी है। रुद्रप्रयाग हादसे में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन, घायलों को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया। अलकनंदा नदी में टेम्पो ट्रेवलर गिरने से हादसा हुआ। ऋषिकेश एम्स पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, घायलों से की मुलाकात, बेहतर इलाज के दिए निर्देश। रुद्रप्रयाग हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान। गोरखपुर में थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी में हार पर हो सकती है चर्चा। लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष भी उतार सकता है अपना उम्मीदवार, सत्ता पक्ष के नाम की घोषणा के बाद बनाई जाएगी रणनीति, सूत्रों के हवाले से आ रही है खबर। कर्नाटक में चुनाव खत्म होने के बाद महंगाई की मार, आज रात से बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए हो सकता है महंगा। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन जारी, 400 से ज्यादा अवैध मकान ध्वस्त, सरकारी जमीन खाली कराकर तैयार होगा रिवर फ्रंट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, एनकाउंटर में मारे गए 8 नक्सली, अभी भी जारी है मुठभेड़। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, इलाज जारी। एमपी के शिवपुरी में तेंदुए की चहलकदमी, इलाके के लोगों में दहशत का माहौल, अमोला घाटी में दहाड़ लगाता तेंदुआ, कैमरे में रिकॉर्ड। दिल्ली के वसंत विहार में एक दुकान में लगी भयंकर आग, आग की वजह से इलाके में फैला धुएं का गुबार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्लीवासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, मौसम विभाग ने बारिश होने की जताई उम्मीद, देर रात तेज हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। चीन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, पानी से डूबे लोगों के आशियाने, लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कैलिफोर्निया में फायर फाइटर्स की गाड़ी में लगी आग, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी बारिश के बाद अब लोगों को थोड़ी राहत, बरसात रुकने के बाद घर में कर रहे सफाई, बारिश की वजह से डूब गए लोगों के घर। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक छोटा प्लेन क्रैश, क्रैश होने के बाद आग लगने की वजह से पूरा प्लेन जलकर राख, हादसे में 2 लोगों की मौत। जापान के ओकिनावा में भारी बारिश बनी लोगों के लिए आफत, कई इलाके के घरों में भरा पानी। टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत और कनाडा में मुकाबला, कनाडा के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव संभव, मैच में मंडरा रहा है बारिश का संकट। जी न्यूज़।